नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। अम्बाजारी थाना क्षेत्र से एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि उसे फ्लैट में बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। घटना 8 दिन पुरानी है, लेकिन प्रकरण अब बाहर आया है। इस घटना से पुलिस विभाग भी सकते में है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अम्बाजारी थाना क्षेत्र में दूसरा मामला सामने आने से पुलिस के हाथ पैर फूल गए हैं। वैसे भी इन दिनों पुलिस संवेदनशील मामलों को बाहर नहीं आने दे रही, गंभीर मामलों को छिपाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवती अम्बाजारी थाना क्षेत्र में रहती है। कुछ दिन पहले उसकी फेसबुक पर एक युवक के साथ दोस्ती हुई थी। विगत 2 फरवरी को युवक ने उसे रविनगर चौक पर मिलने बुलाया। वहां से उसे जाफरनगर एक फ्लैट में ले गया। वहां युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे नशीला पदार्थ भी पिलाया। कुछ देर बाद उस युवक का एक साथी फ्लैट में आया, उसने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया। 5 से 6 युवकों ने उसे अपनी हवस का शिकार बारी बारी बनाया। घटना के बाद वह डरी हुई थी। गुरुवार को शाम उसने अम्बाजारी पुलिस से मामले की शिकायत, गैंगरेप होने की पूरी जानकारी दी। DCP विनीता साहू भी थाने में पहुंची, युवती से पूरी घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि 2 लड़के जाफरनगर और 2 बजरिया के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच सहित अन्य थानों के DB स्क्वाड को भी आरोपी की तलाश में लगाया गया है। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तार होने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। संवेदनशील मामला होने के कारण पुलिस ने इसे गोपनीय रखा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज़।